पटेल जी वोट देकर बाहर आई हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पल्लवी जी किसको वोट किया? बड़ी चर्चाएं थी सुबह से आपकी। मेरा वोट पीडीए के लिए है, मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है। अब पीडीए की बात कर रही हैं, लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का नारा जो है बुलंद कर रही है, पीडीए की आवाज़ जो है बुलंद कर रही है, आप बराबर पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, मुझे लगता है कि जिनका जो नारा हमने दिया है उसको लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सफल रहेंगे, और इसीलिए मैंने पीडीए की बात भी उठाई और मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध थी हूँ और आगे भी रहूंगी, और आज मेरा वोट भी पीडीए के पक्ष में ही है। बड़े पैमाने में बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्या लग रहा था कि इस तरीके की उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए चुनाव है और ऐसे में बहुत से लोगों की प्रतिबद्धताएं इधर उधर जाती हैं, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, अपनी प्रतिबद्धता की बात करूंगी। पल्लवी जी आज जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर पीडीए पे हम काम कर रहे हैं तो क्यों प्रभाव हमको अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये पल्लवी पटेल जी हैं और बराबर पीडीए की बात कर रही हैं, आप वोट देकर बाहर आई हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये पीडीए के साथ हैं और आगे भी पीडीए के साथ रहेंगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।